शाहरुख की जगह दूसरा हीरो होता ना तो ऐसा नहीं होता। मैं केसरिया लगता हूँ, पीले कलर के सब कुछ लगता है, हिंदू मुसलमान में फूट डाल रहा है। किसी प्रकार का ड्रेस, भगवा ड्रेस पहनकर टिप टिप बरसा पानी और एक दूसरे के धर्म की बहुत ही ज्यादा इज्जत कर रही है। जो डायरेक्टर ने, जो प्रोड्यूसर ने और जो सेंसर बोर्ड ने किया होगा वो अच्छा ही किया होगा। ये आरएसएस और भाजपा वाले प्रमाण पत्र देंगे उसको ही, वही ये कपड़ा खरीद सकता है। भगवा रंग कोई ऐसा रंग तो है नहीं, पहली बात। रंग को अगर इसमें जोड़ा जाए जाति से तो ये तो गलत है, ठीक है ना। किसी रंग को कर दिए उसके रंग का नाम से जाति को जोड़ना, ये तो गलत है, ठीक। कल को कोई हरा पहन लेके का मुस्लिम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हरा रंग, सफ़ेद रंग, ये रंग तीनों को तिरंगा में भी लिया गया, ठीक है ना। तो क्या वो हिंदू को हो गया, मुसलमान को, वो तो सबके लिए ना। तो रंग को इसको महत्व ना देके बल्कि उस चीज़ पर देखा जाए। ये तो एक जाति को वो देना जा रहा है, भाई पठान मूवी आ गई तो मुस्लिम शाहरुख के कारण ऐसा हो रहा, ठीक है ना, ना कि कोई ऐसा मामला है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को लेकर के लगातार शाहरुख की जगह दूसरा हीरो होता ना तो ऐसा नहीं होता, ये भी जान लीजिए आप। शाहरुख की जगह अक्षय होता, कोई और दूसरा हीरो, तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी भगवा वाला नहीं आता, कोई बजरंग दल नहीं आता, कोई भी दल सामने नहीं आता, ठीक है ना। यानी आपको ये लग रहा है कि शाहरुख खान उसमें एक्टर है, इसलिए बस शाहरुख खान की वजह से उसको जो हाईलाइटर है वो टॉप है, बॉस है वो, इस कारण से ऐसा हो रहा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगा भाई लोगों के पास, मीडिया के पास कोई काम है नहीं। देखिए वो हिंदू मुसलमान ये सब कर रही है, उनके पास कोई काम नहीं बचा है। राम मंदिर का मामला था, सब सुलझ गया अच्छे से, अब क्या करें, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इसी को लेके अब क्या करें, बेचारों की रोजी रोटी चल रही है ना, ठीक है ना। बस इसके अलावा है क्या उनके पास। आप एक सामाजिक सद्भाव के, मैं भाईचारे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और हमारे हिंदू भाई का दोस्त है, हमारे ऐसे ऐसे दोस्त है कि मैं नाम नहीं ले सकता, वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम और हिंदू और मुसलमान सब एक साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, कभी ऐसी बातें नहीं आती है। भगवा रंग, एक हरा रंग, सफ़ेद रंग, रंगों को साइड में करें, भाईचारा को महत्व दें, ठीक है, भाईचारा को महत्व दें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती के एक विवाद, क्या सवाल है आपका। जबरदस्ती की बातें चल रही हैं, ये फालतू की बात है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। ये सब फालतू की चीज़ें, भगवा रंग, ये कौन सा रंग है, क्या हमारे में रंग नहीं होता क्या। हम लोग भी साफा पहनते हैं भगवा रंग का, जब हमारे यहाँ चादर पेश होती है ना तो हम ही ऑरेंज कलर का ही पहनते हैं, समझ रहे साहब। कलर को, क्योंकि वो कलर भगवा है, ऐसा है। मेरे को तो कलर ना भगवा लगता है ना केसरिया लगता है, वो तो पीले कलर जैसा कुछ लगता है। अब ये इसके पहले भी कई हीरोइन जो है उन्होंने पहना है, जिस पे ओम हरे राम हरे कृष्णा लिखा है और अश्लील डांस हुए हैं उस पर। लेकिन हमारे देश में ये पहला ऐसा एक विरोध हो रहा है जो हमारे देश में फूट डाल रहा है, हिंदू मुसलमान में फूट डाल रहा है, क्योंकि फिल्म का नाम पठान है। अभी पठान फिल्म का है, शाहरुख खान की फिल्म है, कई फिल्में बनती हैं। अब दीपिका पादुकोण की अश्लीलता को नहीं देख रहा है कोई। उसका जो हस्बैंड था रणवीर कपूर, उस रणवीर सिंह, उसने तो पूरा नेकेट सीन दे दिया था। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में पहला हीरो था जो पूरा नंगा खड़ा था या नंगा लेटा था, उसका किसी ने पुतला जलाया नहीं। शाहरुख खान का पुतला जलाया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान मुसलमान है, पठान फिल्म का नाम है। तो ये बहुत ही गंदी कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ पर चल रही है, और ये जिस भी दल या जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे देश में फूट डालने की बात कर रहे हैं। इस तरीके का ये जो भगवा का विरोध हो रहा है, बिकनी का विरोध हो रहा है, ये सरासर हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से जहर फैलाने की बात हो रही है, फूट डालने वाली बात हो रही है। इस तरीके का हमारे हिंदुस्तान में ये पहला कंट्रोवर्सी है जिसमें हमारे देश में वाद विवाद हो रहा है एक फिल्म को लेकर। क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि फिल्में बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, हीरोइनें काम करती है, वो उनका अपना काम है, वो कर रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि एक प्रॉन फिल्म की हीरोइन है सनी लियोन, जो कि कलर ही नहीं पहनती, भगवा भी नहीं पहनती थी, बिकनी भी नहीं पहनती थी, वो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में उस पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, फॉरेनर है वो, क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको। नोरा फतेही, वो पूरी नंगी दिखती है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ भगवा कलर पहन लिया उसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि फिल्म पठान है, शाहरुख खान की फिल्म है, और इस तरीके का मैसेज हमारे देश में गलत है। कि देश में जो वर्तमान सरकार है वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट काम नहीं कर रही है, और आम जनता, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसे तत्वों को आगे बढ़ा रही है। तो मैं जो समझता हूँ कि इसके अंदर कोई, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है वो चीज़। इससे पहले अक्षय खन्ना की फिल्म मोहरा के अंदर रवीना टंडन इसी प्रकार का ड्रेस, भगवा ड्रेस पहनकर टिप टिप बरसा पानी, बहुत ही वर्गल, मतलब वाहियात गाना था। वो हो चुका है, शायद हो चुका है, वो रिलीज़ हो चुकी है फिल्म, तब कहाँ थे ये।
ये मतलब हर उस चीज़ को मतलब सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है। मूवी पे तो कोई विरोध का मतलब ही नहीं है। मूवी भाई किसने पास किया है? सेंसर बोर्ड ने पास किया है। सेंसर बोर्ड ने भी भाई जो वहाँ मेंबर रहते हैं उन्होंने देख के पास किए, तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो दूसरों को विरोध करने का कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये ऐसे मुद्दे बेकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सिर्फ पठान के नाम कह देने से बहुत खुश नहीं होता कि उसका नाम फिल्म का नाम एक मुस्लिम परिचायक के नाम पे रखा गया, मैं उससे भी खुश नहीं होता हूँ। मेरा सिर्फ ये निवेदन है भारतवासियों से कि भारत की संस्कृति बचाना है तो हमें धर्म स्थलों के ऊपर जाकर हमारे धर्म तत्व को तलाश करना पड़ेगा और एक दूसरे के धर्म की बहुत ही ज्यादा इज्जत करनी होगी। जो मेरा धर्म सिखाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और अपने धर्म का 100% पालन करें। शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं, जो दीपिका पादुकोण जी भी हैं वो भी अच्छे एक्टर हैं। अगर उनको नाराजगी एतराजगी होती तो पहले ही मना कर देते वो तो। जो डायरेक्टर ने, जो प्रोड्यूसर ने और जो सेंसर बोर्ड ने किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, हम लोगों से तो अच्छा किया होगा समझ के। हम लोगों से बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, रंग को इशू न बनाया जाए, व्यक्ति विशेष को इशू न बनाया जाए, जाति को इशू न बनाया जाए, हम सब एक धर्म में एक धागे की तरह पिरोए हुए हैं सब। और जहाँ भगवा का सवाल है तो कपड़ा कंपनियाँ बनाती हैं, फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, मिलों में कपड़े बनते हैं, तो वहाँ कोई ये थोड़ी लिख के आता है कि ये भगवा काम में ही उपयोग होगा या उस जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको ये आरएसएस और भाजपा वाले प्रमाण पत्र देंगे उसको ही वही ये कपड़ा खरीद सकता है, तो ये तो कहीं लिखा नहीं है। कंपनियां बनाती हैं या तो फिर ये सरकारें कंपनियों से कपड़ा बनाना बंद करा दें और फिर जिसको भगवा कपड़े अलाटमेंट करना है या देना है उनको परमिशन दें, वही पहन सकते हैं और किस तरह से उस कपड़े का उपयोग करना है, ये सारे बात है। ये भगवा की तो ये देश में राजनीति करने वाले यही आरएसएस भाजपा के लोग हैं और जो जनता विरोध आप कह रहे हैं, जो जनता विरोध कर रही है वो सारे लोग भाजपा और आरएसएस के कहीं ना कहीं मेंबर हैं, उनके प्रेमी हैं, उस दल के, उस संगठन के, इसलिए राजनीतिकरण किया जा रहा है। और बाकी रहा सवाल कपड़े का, तो जिस तरह से कपड़े, मैं पहले भी कहा हूँ कि जिस तरह से कपड़े पहन करके उसमें दिखाया गया है वो बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ भगवे का सवाल है तो ये राजनीति के लिए आरएसएस भाजपा से जुड़े लोग कर रहे हैं, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है भाजपा आरएसएस को कि भगवे पर भगवा कपड़ा कोई अन्य ना पहने तो उन्हीं के मेंबर पहने या उन्हीं के जो सदस्य हैं, उनके जो मतदाता हैं वो पहने, तो इसके लिए वो सरकार गाइडलाइन जारी करे, बाकी नहीं तो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दें, अपने कार्यालय से कपड़ा दें। भगवा कपड़ा यदि वितरण करना है देश के अंदर तो भाजपा सारी मिल से कपड़े खरीद के कार्यालय में रख ले और कार्यालय से वितरण करा दे। आपकी निजी राय क्या है इस मामले को लेकर के? मैं निजी राय बता दिया हूँ कि मैं कोई ना तो भगवा से मेरा मतलब है, मैं देश के राष्ट्रध्वज को मानता हूँ और ये भगवा की नौटंकी मैं नहीं मानता हूँ और मैं भगवा झंडा का विरोधी हूँ, जिसको लेकर के देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं और देश में मार काट करा रहे हैं, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। और यदि इनको भगवा की राजनीति करना है तो मिलों से कपड़ा मंगवा के अपने यहाँ रखवा करके और अपने लोगों को बांटने का काम करें। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।